थर्ड क्या है, वाई इज इट एडवाइज टू टाई एनी लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा ट्रेवल करते हुए कि बस पे या कार पे कोई भी लगेज अगर ऊपर रखा जाता है तो बस वाले क्या करते हैं, उसको रस्सी से बांध देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? When a moving bus suddenly stops, the luggage on the roof tends to move due to moving inertia and will fall down from the bus. फिर से न्यूटन के फर्स्ट लॉ को याद कीजिए। जो भी ऑब्जेक्ट मूव में है वो मूव रहना चाहता है, जो रेस्ट में है वो रेस्ट रहना चाहता है। अब एक मूविंग बस है वो मूव कर रही है, जो उसके ऊपर लगेज रखा हुआ है, लगेज क्या कर रहा है, वो भी बस के साथ मूविंग पोजीशन में ही है, ठीक है। अब अचानक से ब्रेक लगी, ब्रेक लगी तो क्या होगा, बस तो रुक गई लेकिन उसके ऊपर जो लगेज रखा हुआ है वो अपने एनर्शिया की वजह से इनिशियली मूव ही करना चाहता है। इस वजह से क्या होता है कि वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, बस वहीं रुक जाती है, ठीक है। इस वजह से वो लगेज बस में आगे की साइड को गिर सकता है। इन द सेम मैनर इफ द बस सडनली स्टार्ट टू मूव द लगेज ऑन द रूफ ऑफ द बस टेंस टू रिमेन एट रेस्ट ड्यू टू द रेस्ट इनर्शिया एंड विल फॉल डाउन फ्रॉम द बस। Thus, it is advised to tie any luggage kept on the roof of a bus with a rope. इसी तरीके से बस जब खड़ी है और लगेज ऊपर रखा हुआ, अचानक से बस चल दी, अचानक से बस चल दी तो क्या होगा कि ऊपर का जो लगेज है वो रेस्ट पोजीशन में था, अपने इनर्शिया के कारण रेस्ट में ही रहना चाहता है, लेकिन बस मूव कर गई तो वो लगेज क्या होगा, लगेज पीछे की तरफ गिर जाएगा, और अगर वो रस्सी से नहीं बंधा हुआ है तो वो हो सकता है बस से नीचे भी गिर जाए। ओके, इस वजह से हम लोग बस के ऊपर रोप से उसको बांध के रखते हैं।